हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास एक्सियोमी का नोट 5 प्रो है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम अपनी कॉल पेयरिंग को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको एक्सियोमी के फ़ोन्स के अंदर डायलर के अंदर चले जाना है। डायलर के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर गाइस आपको सबसे नीचे तीन डॉट डॉट का आइकन दिखेंगे, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स दिखेगी, तो सेटिंग्स के अंदर भी आपको चले जाना है। और गाइस सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग्स दिखेगी, तो इसको खोल लेना है। जैसे गाइस आप इसको खोलेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा कॉल पेयरिंग, वॉइस एंड वीडियो कॉल पेयरिंग, तो यहाँ पर इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिम मिलेंगे, तो सिम को खोल लेना है। और यहाँ पर गाइस यहाँ पर आपकी जो कॉल है वो आउटगोइंग कॉल से यहाँ पर डिसेबल होगी, यहाँ पर इसको इनेबल करना है और अपना पासवर्ड डाल देना है। जैसे आप पासवर्ड डालेंगे तो आपकी जो यहाँ पर कॉल पेयरिंग है वो इनेबल हो जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पर इनेबल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनेबल हो। ओ तो इस तरीके से गाइस आप जो है अपनी कॉल बैरिंग को इनेबल कर सकते हैं एक्सियोमी के सेट्स में, रेडमी जो आपके फ़ोन्स होते हैं उनमें। अगर यहाँ पर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना। लाइक करने के साथ साथ गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।